नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूँ आप सबका RMD हाईटेक पे। और दोस्तों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए और एक एप्पल डिवाइस का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, जो कि है मैकबुक एयर 13 इंच 2020 वाला। ये रहा उसका बॉक्स हमारे साथ में। तो मैं और एक बार बताना चाहूँगा दोस्तों कि बैक टू बैक हम लोग बहुत सारे एप्पल, सैमसंग और JBL के डिवाइस अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप इनका वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जैसे ही मैं ये वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से जंप करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं इसका बॉक्स कंटेंट और क्या है खास हम सबके लिए आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये रहा मैकबुक एयर का बॉक्स आपके सामने। बहुत ही क्लीन और सिंपल सा बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ पे मैकबुक एयर का साइड प्रोफाइल दिखाया गया है, जहाँ पे थंडरबोल्ट 3 जो कि USB-C पोर्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कि 2 है, और उसी में से एक पोर्ट चार्जिंग के लिए भी यूज होता है। अगर आप बॉक्स के ऊपर देखोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये पूरा का पूरा बॉक्स प्लेन है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो मैकबुक एयर लिखा हुआ है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो एप्पल का लोगो मिलेगा। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जो कि है 13 इंच मैकबुक एयर, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें रेटिना LED बैकलाइट डिस्प्ले मिलता है, जो कि ट्रू टोन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और इसमें ड्यूअल कोर इंटेल i3 प्रोसेसर आता है, जो कि 4 MB L3 कैश के साथ में आता है। 8 GB की रैम आती है, जो कि है LPDDR4, और 256 GB की SSD आती है, और ऐसे ही सारे जो स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या है इसका बॉक्स कंटेंट और कैसा है ये मैकबुक एयर। तो ये रहा मैकबुक एयर दोस्तों। ये ऊपर के बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता, ये खाली है। तो जल्दी से मैकबुक एयर को निकालते हैं बाहर। तो ये रहा मैकबुक एयर आपके सामने दोस्तों। बहुत ही हाई क्वालिटी डिवाइस है हुआ है, और नीचे की तरफ 4 रबर के स्टैंड मिलते हैं। तो हम इसकी तरफ बाद में देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है। तो ये कुछ एनवलप मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसमें आपको मिलेगा मैकबुक एयर का वारंटी डिटेल्स और कुछ सेफ्टी गाइडेंस, और इसी के साथ में आते हैं कुछ स्टिकर्स एप्पल के, जो कि ग्रे कलर में है। इसके पहले हम लोगों ने iPad 7 जनरेशन का अनबॉक्सिंग किया था, तो सिमिलर स्टिकर्स इसमें मिले थे, लेकिन वो वाइट कलर के थे। ये पहली बार मैकबुक एयर के साथ में ये ग्रे कलर के आए हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं। तो इसके साथ में आती है ये केबल, जो कि है USB Type-C केबल दोनों तरफ से, और ये केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है और काफ़ी लंबी है दोस्तों। इसके साथ आता है ये USB पावर अडाप्टर, जो कि चार्जिंग के पर्पज़ के यूज़ होगा इसके लिए। और इतना ही है दोस्तों, बॉक्स में और ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली है। तो जल्दी से ये इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं मैकबुक एयर कैसे है। तो दोस्तों, इस मैकबुक एयर के अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए तो काफ़ी सिंपल सा और प्लेन सा सेटअप मिलता है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलता, और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक मिलता है, जहाँ पे हम लोग हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर साइड में पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेन है, और इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे दो थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि USB Type-C के पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा और कोई पोर्ट नहीं मिलता यहाँ पे। और ये काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 1.26 kg का है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये लोगो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। हमको अगर दूसरे पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी चाहिए तो हमें कुछ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है दोस्तों। जो मैंने खरीदी है ये है कुछ कन्वर्टर्स, जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। और इसमें आप अगर देखोगे तो ये USB Type-C टू USB Type-C, HDMI और नॉर्मल USB कन्वर्टर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो इसके अलग अलग पोर्ट्स इसको कनेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ में दोस्तों, हम लोगों ने इसके लिए एक बॉडी कवर्स भी लिए हैं, जो कि कुछ इस तरह से है।
ये अपर पोर्शन है और ये लोअर पोर्शन, तो हम इसे भी असेंबल करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि कैसे दिखता है हमारा मैकबुक एयर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये कवर लगाने के बाद में ये मैकबुक एयर को कम्प्लीटली एक नया लुक आ गया है, और नीचे की तरफ भी ये चार रबर्स थे उसके लिए भी एक कवर मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा और बेहतर लुक आ गया है, और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं ऐसे कवर्स में, आपके चॉइस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से इसे ओपन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं मैकबुक एयर का। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने लीड ओपन किया तो ये अपने आप सेटअप शुरू हो गया। तो हम लोग जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये आसानी से कॉन्फ़िगर हो गया है मैकबुक एयर, बहुत ही आसान था। इसकी जो रेट पड़ी मुझे ऑलमोस्ट $900 के आसपास पड़ी यहाँ पे, और ये i3 है। तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, i3 और i5, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। i5 अगर आप लेने जाओगे तो $100 से $150 ज़्यादा पड़ेंगे, तो अपने नीड्स के हिसाब से मैंने i3 लिया है, और जो कि मेरे लिए सफिशिएंट है। आप इसमें हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे और अबाउट दिस मैक करोगे तो यहाँ पे एक कैटलिना उसका जो OS है वो नाम दिखाएगा जो कि लेटेस्ट है, नहीं तो पहले के इसमें मोजोवा या फिर सियरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे। यहाँ पे 10.15.6 इसका वर्जन नंबर है। यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स मिलेगा, मैकबुक एयर रेटिना 13 इंच 2020। प्रोसेसर जो है वो 1.1 GHz का डुअल कोर इंटेल कोर i3 है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। अगर आप स्टोरेज की बात करो तो ये 256 GB वाला वेरिएंट था, उसमें से अभी 234 GB यूज़ के लिए अवेलेबल है। तो ये काफ़ी कम स्पेस लेता है और ये काफ़ी अच्छी बात है। सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे थोड़े हाइपरलिंक्स मिलते हैं, आप कोई भी हाइपरलिंक ले सकते हो अगर आपको कोई सपोर्ट कॉल लॉक करना है तो। मूविंग फर्दर अगर आप सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। विंडोज़ में जैसे कंट्रोल पैनल रहता है उसी के टाइप का ये है। अगर आप टच आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो नए बंदे का तो यहाँ पे कर सकते हो। आपके अगर ट्रैक पैड्स, ये जो ट्रैक पैड है जो ग्लास का बना हुआ है, नया जेस्चर इसमें प्रोग्राम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ट्रैक पैड्स पे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर हमको सारे के सारे आइकॉन्स एक साथ देखने हैं तो हम 5 फिंगर्स ऐसे प्रेस करके ये जेस्चर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ करने में थोड़ा मुश्किल जा रहा है तो यहाँ पे एक बटन है, ये आप यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी हैंडी जाता है। अगर आप देखोगे तो इसमें 2 स्पीकर्स मिलते हैं जो स्टेरियो स्पीकर्स है, और अगर आपको कुछ सर्च करनी है कोई चीज़ तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट सर्च। जैसे कि हम विंडोज़ में सर्च करते हैं, ये स्पॉटलाइट सर्च है। ये बहुत ही आसान है, आपको कमांड और स्पेस दबाना है तो ये स्पॉटलाइट सर्च शुरू होगा। अगर आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहे और आपको यहाँ पे ढूंढना है तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। अगर आप इसके वीडियो और ऑडियो क्लैरिटी की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ टेस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखते हैं इसके वीडियोज़ और ऑडियो, ये काफ़ी क्रिस्प और क्लियर है। तो कुछ इस तरह से है मैकबुक एयर, ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी फास्ट है। अभी तक मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो कहीं पे भी लैग नहीं हुआ, और इस कवर्स के साथ में ये और भी सुंदर दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये वर्ल्ड मैप का कवर मैंने लिया है, तो इसके साथ में आप देख सकते हो कि इसको एक अलग से फील, अलग ही लुक आता है, और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जो भी इनपुट्स या सुझाव होंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।